नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के बारे में बताएंगे। सरिता विहार मेट्रो स्टेशन आपका वॉलेट लाइन पर स्थित है। इस मेट्रो स्टेशन की शुरुआत 3 अक्टूबर 2010 को हुई थी और डेली कम से कम 25,000 पैसेंजर्स मेट्रो स्टेशन का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में। सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के दो प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मेट्रो मिलेगी एस्कॉर्ट मुजेश्वर की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको मेट्रो मिलेगी कश्मीरी गेट वाया लाल किला की तरफ। अब हम बात करेंगे पार्किंग के बारे में। सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके पार्किंग के चार्जेस नॉमिनल चार्जेस लगेंगे, जो आपके स्टैंडर्ड चार्जेस हैं दिल्ली मेट्रो की पार्किंग के। सरिता विहार मेट्रो स्टेशन में बाइसिकल की फैसिलिटी भी है, जो आप थोड़ी देर के लिए बाइसिकल रेंट पे ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जिट गेट के बारे में। सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के दो एग्जिट गेट हैं। गेट नंबर 1 से आप बाहर निकलेंगे सरिता विहार की तरफ। गेट नंबर 2 से आप बाहर निकलेंगे मदनपुर कडर की तरफ। दोस्तों सरिता विहार मेट्रो स्टेशन आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के, जिसका डिस्टेंस जो है सरिता विहार से सिर्फ 4 किलोमीटर का है। और आप मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे, वॉक करके जाएंगे और आपको नीचे ई रिक्शा भी मिल जाएंगे, जो आपको 6 मिनट के अंदर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के अंदर छोड़ देंगे। दोस्तों सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पे आपकी एटीएम की फैसिलिटी अवेलेबल है। वहां पर आपको एचडीएफसी बैंक, यस बैंक एंड कैनरा बैंक का एटीएम मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट और लास्ट मेट्रो के बारे में। सुबह 6 बजे आपको सरिता विहार मेट्रो स्टेशन की पहली मेट्रो मिल जाएगी और लास्ट मेट्रो जो निकलती है वहां से 11 बजे निकलती है दोस्तों, रात को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।